सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, आपका दिन शुभ हो। बच्चों, इसके पहले हमने क्या सीखा था? अनु का उपहार, है ना? उस अनु के उपहार में हमने क्या देखा कि अनुपम नाम का एक लड़का था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम राघव था। राघव का जन्मदिन था रविवार को और उसे सब दोस्त बाकी के कीमती उपहार देने वाले थे, लेकिन अनुपम के पास कुछ नहीं था, इसलिए वो उदास था। उसने माँ को बता दिया और फिर माँ ने क्या किया, चमेली का पौधा गमले में लगाकर उस गमले को सजाकर उसे अनुपम को दे दिया और कहा कि तुम अपने अच्छे दोस्त राघव को ये उपहार के तौर पर दे दो। और रविवार का दिन आता है उसके जन्मदिन का, तब अनुपम वो उपहार लेके राघव के पास जाता है। तो राघव उसको कहता है कि आज तक मुझे इतना कीमती उपहार, इतना अनमोल, इतना अनोखा उपहार किसी ने नहीं दिया। यानी उसने कहा कि इतना अनोखा उपहार मुझे किसी ने नहीं दिया और वो मुस्कुराया और फिर और दोनों मुस्कुराने लगे तो क्या लगा कि चमेली के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना? यानी कि जब कोई आप किसी दोस्त को या किसी को गिफ्ट देते हो या कोई आपको गिफ्ट देता है, तो ये मत देखिए कि वो गिफ्ट कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है, कितने पैसे का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, यानी कि ये महत्वपूर्ण नहीं होता। तो देने वाले का प्यार, देने वाले की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए जो भी गिफ्ट हो उसे प्यार से स्वीकार करो, क्योंकि उसमें भावनाएं होती है, प्रेम होता है ढेर सारा, है ना बच्चों? तो आज क्या करने वाले हैं, इसके शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो अपनी हिंदी की किताब निकालो और पेज नंबर 23 निकालो, यानी कि 23। तो आप सब तैयार हैं? चलो शब्द अर्थ देखते हैं। बेमन से, बिना इच्छा के, कीमती, महंगा, उपहार, भेंट, क्षण, पल, थोड़ी देर, अतिथि, मेहमान, व्यस्त, काम में लगा हुआ, प्रतीक्षा, इंतजार, अनोखा, अद्भुत, है ना? अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। मौखिक है फिर भी आपको उसे नोटबुक में लिखना है। देखो तो फिर प्रश्नों के उत्तर। पौधे देने की बात से अनुपम क्यों खुश हुआ? पौधे देने की बात से अनुपम क्यों खुश हुआ, क्या लगता है आपको, बताओ? क्योंकि राघव उसका अच्छा दोस्त था और कुछ अनया अनोखा उपहार उसे देना अच्छा लगा, है ना? और उसको सजाया भी था, अच्छा था, इसलिए उसे अच्छा लगा। गमला सुंदर कैसे बना, बताओ? गमला कैसे सुंदर बना? तो उस पर माँ ने क्या किया, फूल पत्ते बनाए और अनुपम ने क्या किया, रंग ले लिए और उस फूल पत्तों में रंग भर दिए और गमला सुंदर हो गया, हो ना? है ना? तो गमले में कौन से पौधे लगाए गए? गमले में चमेली का पौधा लगाया गया, है ना? यस। और अगला क्वेश्चन है, आप अपने जन्मदिन पर क्या उपहार लेना चाहेंगे? ये तो आपको लिखना है खुद को, है ना? जैसे कि आपको, अगर आपका जन्मदिन है तो आप क्या उपहार लेना चाहेंगे? तो मैं मेरा बताती हूँ, अगर मेरा जन्मदिन है तो मुझे कोई एक सुंदर सी किताब या
एक ट्री यानी कि एक वृक्ष दे तो मैं उसे लगाऊंगी, और उस वृक्ष को जब भी मैं देखूंगी तब मुझे वो देने वाले की याद जरूर आएगी, है ना। इस तरह से मुझे भी कुछ अनोखा उपहार पसंद आएगा। वैसे आपको कैसे पसंद आएगा? देखो, अनुपम क्यों उदास था? बोलो, अनुपम क्यों उदास था? सही है, अनुपम इसलिए उदास था कि उसे राघव के जन्मदिन के दिन देने के लिए कोई कीमती उपहार नहीं था, है ना, इसलिए अनुपम उदास था। अब माँ ने उसे क्या सलाह दी? माँ ने अनुपम को सलाह दी कि तुम राघव के जन्मदिन पर तुम उसे कीमती उपहार के बजाय दो सुंदर पौधे दे देना, ऐसा यानी कि सुंदर पौधा दे देना, ऐसा उसके माँ ने उसे सुझाव दिया, है ना। माँ ने अनुपम की क्या मदद की? माँ ने अनुपम की क्या मदद की बता। माँ ने अनुपम को एक गमला लिया, उस गमले पर फूल पत्ते बनाया, उनमें मिट्टी डाली और उस पर फिर चमेली का पौधा लगाया और उस फूल पत्तों को रंग भरने के लिए कहा। ऐसी इस तरह से माँ ने अनुपम की मदद की, है ना। अब देखते हैं पेज नंबर 24 यानी कि 24। तो आपने निकाला पेज नंबर 24, राघव को उपहार कैसा लगा? राघव को अनुपम का उपहार बहुत ही अच्छा और अनोखा लगा। अब हमें क्या करना है? पाठ से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करना है, है ना। अनुपम डैश डैश पर लेट गया। अनुपम कहाँ लेट गया था? बिस्तर पर, है ना। सब दोस्त उसे कीमती डैश डैश देंगे, यानी कि सब दोस्त राघव को कीमती क्या देने वाले थे? सही है, उपहार। माँ ने नए गमले पर डैश डैश बनाए। क्या बनाया माँ ने गमले पर? उस नए गमले पर सही है फूल पत्ते बनाए, है ना। माँ ने नए गमले पर फूल पत्ते बनाए। उसके नीचे वाला देखते हैं, अब घ वाला। ऐसा डैश डैश उपहार तो किसी ने नहीं दिया। ऐसा डैश डैश उपहार तो किसी ने भी नहीं दिया, यानी कि ऐसा कौन सा उपहार? अनोखा उपहार, जो हमारे पाठ का नाम है, है ना। अनोखा उपहार तो किसी ने नहीं दिया, ऐसा राघव ने कहा। अब लास्ट का देखो, चमेली के फूल भी मानो मुस्कुरा रहे थे, है ना। सॉरी, मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। चमेली के फूल भी मानो मुस्कुरा रहे थे। ये हुए पाठ के नीचे के क्वेश्चन आंसर। आपको इसे दो दिन में पूरा करना है, पूरा एक दिन में नहीं, नहीं तो आप फिर बोलेंगे इतना ढेर सारा होमवर्क दिया है। तो देखो, आप भाषा ज्ञान ध्यान से सुनो, यानी कि पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखने हैं हमें। जन्मदिन बता, यहाँ लिखा है ना, जन्मदिन पर क्या आएगा? जन्म दिवस या वर्षगांठ, ये इसके समानार्थ है। तोहफा भेंट उपहार, है ना। तोहफा का क्या होगा? भेंट उपहार, है ना। विद्यालय, अब विद्यालय का समानार्थी शब्द पाठशाला शिक्षालय, है ना। संप्रदाय भी कहते हैं पाठशाला और शिक्षालय, ये आपको ध्यान में रहेगा। विद्यालय को समानार्थी हिंदी में क्या है? पाठशाला
विद्यालय, सॉरी शिक्षालय, विद्यालय को है। अब मित्र, दोस्त, सखा, मित्रों को क्या लिखेंगे आप? दोस्त, सखा। एक वचन, बहुवचन। एक मतलब वस्तु एक हो तो एक वचन, और वस्तु बहुत सी हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। देखो यहाँ नीचे भी दिया है, वस्तु एक हो तो एक वचन, वस्तु एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और वस्तु बहुत सी हो तो बहुवचन कहते हैं। वस्तु अगर एक से अधिक या दो से अधिक हो तो उसे एक से अधिक हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखो आप किसके आपको बहुवचन करना है? देखो पौधा एक वचन है, उसे क्या करना है? अनेक वचन में बदलना है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने हैं हमें। तो क्या करो, देखो अब पौधा, यहाँ एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, पौधे है ना। बात, बातें, यानी कि पौधा, गमला, पत्ता, डिब्बा, पिंजरा, ये क्या हुए? एक वचन हुए। और इसके क्या बनाने हैं हमें? अनेक वचन बनाने हैं ना। जैसे कि पौधा, पौधे, गमला, गमले, पत्ता, पत्ते, डिब्बा, डिब्बे, पिंजरा, पिंजरा है ना, पिंजरे। बात, बातें, आँख, आँखें, रात, रातें, मेज, मेजे, पुस्तक, पुस्तके। तो आपको समझ में आया? ठीक है, तो आज अब क्या करते हैं हम, पेज नंबर 26 निकालते हैं, यानी कि 25 पेज नंबर निकालते हैं। अभी 24 हुआ, यानी कि 24 हुआ, तो अब 25। देखो अब यहाँ क्या करना है, पढ़ो और समझो, इसे भी आपको लिखना है, यानी कि आपकी लिखना कैसे है, हिंदी की लिखावट भी आपकी सुधर जाएगी, इसीलिए लिखना भी है और उसे पढ़ना भी है। देखो रीड, पढ़ो, कीमती उपहार और हर पौधे। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती उपहार। अब देखो इसमें से हम कुछ नया सीखने वाले हैं। देखो कीमती ये क्या है? विशेषण है। और उपहार क्या है? संज्ञा है ना। कीमती विशेषण, उपहार संज्ञा है। तो हरे पौधे, हरे मतलब विशेषण, हरे क्या है? विशेषण है। और पौधे क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो आपने देखा है ना, ग्रामर के वीडियो में है ना। तो हम इसका भी अलग वीडियो बनाएंगे विशेषण का, यानी कि आपको समझ में आए। कोई भी भाषा सीखते समय ग्रामर यानी कि व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम इस विशेषण और संज्ञा तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बार बार आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपने संज्ञा की सभी डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं और उसके उदाहरण आपने याद किए होंगे है ना, संज्ञा के सभी भेदों के। कितने भेद थे? 5, और उन सभी भेद को आपने याद किया होगा। उसमें से 3 महत्वपूर्ण है ना, तो आपने उसे याद करना है, परिभाषा भी इसकी याद करनी है। तो आप देखते हैं संज्ञा और विशेषण। विशेषण का भी आपको ग्रामर का अलग वीडियो, यानी कि अलग वीडियो बनाकर आपको विशेषण डीप में पढ़ाया जाएगा। तो देखो इन संज्ञा शब्दों के लिए विशेषण लिखो। अब यहाँ जो संज्ञा दी है, रोशनी, गमला और दोस्त, कलियाँ, इसे हमें क्या लिखना है? विशेषण लिखना है। अब विशेषण की सिर्फ व्याख्या देखते हैं, यहाँ दी है इसलिए, जो शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कैसा या कितना बताए वे विशेषण शब्द होते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में, यानी कि जो संज्ञा है
वो कैसा है, कितना है, ये बताए उसे विशेषण कहते हैं, है ना, यानी कि संज्ञा। अब देखो यहाँ क्या बताया था, कीमती उपहार। उपहार क्या है, संज्ञा। उपहार कैसा है और कितना है, यानी कि वो विशेषण हुआ, है ना। और देखो नीचे क्या दिया है, हरे पौधे, यानी कि पौधा क्या है, पौधे क्या है, संज्ञा है, तो उसका विशेषण क्या हुआ, हरे, यानी कि पौधा कैसा है और कितना है, ये जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई, परिभाषा आपको समझ में आई, जो शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में कैसा या कितना बताए वे विशेषण शब्द होते हैं। अब रोशनी, रोशनी क्या है, संज्ञा है, तो रोशनी कैसी है और कितना, कितना यानी कि कितनी है, ये बताने वाले को हम विशेषण कहेंगे। उसके लिए कोई वर्ड होगा ना, तो उसे, उस वर्ड को हम विशेषण कहेंगे। देखो रोशनी कैसी है, रंग बेरंगी, तो कैसी है मतलब वो विशेषण है, है ना। अब देखो दोस्त, दोस्त ये है संज्ञा। दोस्त कैसा है, अच्छा है या बुरा है या स्वार्थी है, ये जो बताता है उसे संज्ञा कहते हैं, इसीलिए यहाँ आता है अच्छा, है ना, ये हुआ उसका विशेषण। अब गमला, गमला है संज्ञा। गमला कैसा है, छोटा है, बड़ा है या सुंदर है या नया है या पुराना, ये जो भी है वो, जो वर्ड आता है, जो शब्द आता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि गमला, इसमें कैसा दिखाया है गमला, इस पार्ट में नया, यानी कि नया, ये क्या हुआ, गमले का विशेषण हुआ, है ना बच्चों। तो आगे देखो कलियां, कलियां, कलियां कैसी है, छोटी है, बड़ी है, सुगंधी है, हरी है, पीली है, नीली है, ये इस, जो भी बताता है, जो भी उसे आता है कि कैसी है, ये जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन इस पाठ में क्या बताया है, कलियां पीली पीली, यानी कि इस कलिया का विशेषण क्या आया है, यहाँ पीली पीली, है ना। तो आपको आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया है, संज्ञा और विशेषण, यानी कि संज्ञा कैसी है, यानी कि रोशनी है लेकिन वो कैसी है, रंग बिरंगी, ये कैसी है जो बताता है, कितना है ये बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो समझ में आया, ठीक है। अब देखो प्रश्न चौथा, पढ़ो और लिखो। माँ, ये आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो बोलो माँ यहाँ वहाँ आंसू गाँव पहुँचा पांच झांकना कलियां, है ना। माँ यहाँ वहाँ आंसू गाँव पहुँचा पांच झांकना कलियां, यह आपने पढ़ा है अच्छी तरह से और आपको पढ़कर ये लिखना भी है। आप देखो, अब क्या देखने वाले हैं हम, सही वाक्य बनाओ और पढ़ो। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है, अनुपम, अनुपम पाठशाला से घर आया। अनुपम कहाँ से घर आया, पाठशाला से, तो इसे आपको मैच करना है। माँ, माँ ने क्या किया, माँ ने चमेली के दो पौधे निकाले। माँ ने क्या किया, चमेली के दो पौधे निकाले, तो माँ की जोड़ी आप कहाँ लगाएंगे, माँ ने चमेली के पौधे निकाले, है ना। अब रागो, अनुपम का तो देखा है, अनुपम कहाँ से आया, पाठशाला से घर आया। आप देखते हैं राघव,
राघव उपहार पाकर बहुत खुश हुआ। राघव जब उसने अनुपम ने उपहार दिया तो बहुत खुश हुआ। कौन? राघव। तो इसे हम क्या करेंगे, राघव को मिलाएंगे यानी कि मैच करेंगे। अब देखो अनुपम या वाक्य बनाएंगे। माँ, माँ के सामने आप लिखेंगे कि माँ ने चमेली के पौधे निकाले। क्या करेंगे, माँ के सामने आप लिखेंगे एक नंबर डालकर माँ ने चमेली के पौधे निकाले, ये आंसर होगा। अब दूसरा है अनुपम। अनुपम पाठशाला से घर आया, ये एक सेंटेंस हो गया। राघव उपहार पाकर बहुत खुश हुआ, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। और फिर अनुपम ने फूल पत्तों में रंग भरा, है ना। अनुपम ने क्या किया, फिर फूल पत्तों में रंग भरा, है ना। माने तो नहीं, सिर्फ माने फूल पत्ते निकाले थे और रंग किसने भरा था, अनुपम ने। तो समझ में आया बच्चों आपको? तो चलो अब निकाले 26 पेज नंबर यानी कि 26। अब देखो यहाँ आया है श्रुतलेखन, जो आपको सुनकर लिखना है। आप माँ या अपने पापा से ये शब्द बोलने के लिए कहेंगे और आप इसे बिना देखे लिखेंगे। तो पहले हम इसे आज पढ़ते हैं। तो देखो उपहार, ये क्या है, उपहार। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। पौधा, जन्मदिन। मुस्कुराना, मुस्कुराना। पाठशाला, मेहमान। कलिया, मिट्टी। डिब्बे। तो आपको इसे क्या करना है, आपके घर में जो भी बड़े होंगे उनको बोलने के लिए कहना है और आपको सिर्फ सुनकर लिखना है बिना देखे, है ना, और गुड हैंड राइटिंग में। हाँ, अब आगे देखो आपको आगे क्या करना है, अपनी सहेली या मित्र को क्या उपहार देना पसंद करोगे आप। अगर आपका आपके किसी दोस्त का या किसी सहेली का जन्मदिन है तो उसके वर्षगांठ पर यानी कि जन्मदिन पर आप कौन सा उपहार देना पसंद करोगे, ये अपने शब्दों में यहाँ लिखोगे, लिखेंगे। अब दूसरा, उपहार का कीमती होना क्यों जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था ना, उपहार का कीमती होना क्यों जरूरी नहीं है, ये भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। अगर वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, है ना। अब देखो कार्ड बनाओ, ये तो आपको पसंद है और सभी इस कार्ड को बनाएंगे। कार्ड बनाओ, चार्ट पेपर पर काट कर कार्ड तैयार कर लो और सब्जियों के गोल टुकड़ों पर रंग लगाकर उनकी छाप से कार्ड पर डिजाइन बनाओ। आपके घर में जो भी सब्जी हो उपलब्ध हो उसे कलर में ये करके आप इससे अच्छी सी डिज़ाइन बनाओगे। यहाँ दिखाई है उससे बेहतरीन और आपको आती है तो बनाओ और अपने कक्षा के ग्रुप में भेजो। और ये आप ड्राइंग बुक पर भी कर सकते हो अगर कार्डशीट पेपर नहीं है तो, है ना। लेकिन अच्छी तरह से बनाओ क्योंकि आपको कुछ अलग करने के लिए मिलेगा, है ना। देखते हैं हम किसकी ड्राइंग अच्छी है, कौन कितना अच्छा बनाते हैं, हाँ सबसे बेटर किसका आता है देखते हैं ग्रुप पर। हाँ, और ये होमवर्क आपको, उस अनु के उपहार का होमवर्क आपको 2 दिन में पूरा करना है। खाली 2-3 पेज है, इसे तो आपको ड्राइंग बुक में करना है, है ना। तो 2 दिन आपको ठीक है। और अगले वीडियो में हम पाठ नहीं देखेंगे तो विशेषण देखेंगे और बाद में नया पाठ पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इसका होमवर्क कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में, 2 दिन में। और अभी आपने वीडियो देखने के तुरंत ही आप ऐसे कार्ड या
अपनी ड्राइंग बुक में ऐसे सुंदर से पिक्चर बनाएंगे सब्जियों से, और कुछ अलग बना सकते हो तो वो भी बना के अपने क्लास के ग्रुप पर भेजेंगे, है ना बच्चों? तो आपको समझ में आया? ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विशेषण के साथ। अच्छा, ओके, बाय।